हे गाइस, वेलकम टू निधिज़ डायरी। मैं हूँ निधि और आज मैं आपको एक DIY स्किन टोनर बताने जा रही हूँ। स्किन टोनर बेसिकली बहुत ज़रूरी है हमारे डे टू डे स्किन केयर रूटीन के लिए, जो कि हमारे स्किन को हेल्दी और क्लियर बनाने के लिए टोनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप टोनिंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये मेरा जो DIY टोनर है, ये बहुत आराम से आप घर में बना सकते हैं। कुछ चंद दो तीन इंग्रेडिएंट है जो कि आपको आराम से किचन में मिल जाएगा, आप यूज़ कीजिए और आप बनाइए। और बहुत अच्छा बनता है, केमिकल फ्री है, बहुत काम आता है। अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है या आपके पोर्स जो भी चेहरे पे है वो बड़े बड़े दिखते हैं, रोम छिद्र जो है वो काफ़ी बड़े दिखते हैं, तो आपको इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा दिलाएगा ये टोनर। अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो जो भी आपका ओपन पोर्स है वो श्रिंक होगा, ऑयल बहुत है फेस पे, तेल बहुत निकलता है चेहरे से, ऑयली स्किन है तो उसको भी कम करेगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड सबसे पहले कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, पास में ही वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो देखते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ खीरा। यहाँ पे हमने एक फुल खीरा लिया है और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हमें इसको छान लेना है, यानी कि इसका जूस निकालना है। आप चाहे तो स्ट्रेनर की हेल्प से कर सकते हैं या फिर किसी मलमल के कपड़े में आप उसका उसको अच्छे से निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए, और जो रस निकलेगा हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने एक फुल खीरा लिया है एंड उसके बाद हमने उसका पूरा रस निकाल लिया। तो हमारे पास जो बचता है वो है करीबन आधा आधा कटोरी खीरे का रस हमारे पास मिलता है। तो हमें आधा कटोरी की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये सिर्फ एक वीक के लिए बना रहे हैं। हमें बहुत लंबा बना के स्टोर नहीं करना है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आप एक वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखिएगा तो 10 दिन के लिए आप डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में रख के यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो गुडनेस है वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर हमने एक इस तरह का खाली कंटेनर लिया है, ये स्प्रे बॉटल है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप में आराम से 10-20 रुपये का मिल जाएगा। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो जूस है उसको हाफ आपको फिल कर लेना है इस तरह, एंड उसके बाद हाफ आपको फिल करना है, बस हाफ बॉटल जो है उसमें हमें गुलाब जल भरना है, यानी कि हाफ जो है हमारा खीरे का रस है और आधा जो है गुलाब जल है। तो ये जो मैंने डाबर का गुलाब जल यूज़ किया, आप चाहे तो घर का बना हुआ अरके का गुलाब भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुलाब जल डाल दिया है अच्छे से। उसके बाद हमारा जो एक लास्ट इंग्रेडिएंट है, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है बड़ा कमाल का है, उसको कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही काम का है एंड बहुत फ़ायदे हैं एप्पल साइडर विनेगर के स्किन के लिए। अगर आपको रोम छिद्र में प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो आप इसको लगाइए एंड बहुत कमाल के इसके फ़ायदे हैं। तो हमें बस एक चम्मच भर इसको यूज़ करना, और इसको यूज़ करने का दूसरा फ़ायदा ये भी है क्योंकि ये हमारे जो सॉल्यूशन है, हमारा जो टोनर है, उसको प्रिजर्व करता है। तो ये हमारा रेडी हो गया घर पे बना हुआ आसानी से सिंपल सा DIY टोनर, जो कि बहुत अच्छा है एंड बहुत जल्दी बन गया। और आप इस स्टोर करके रख सकती हैं एक वीक के लिए रूम टेम्परेचर पे, 10 से 12 दिन तक अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो। बहुत काम का ये बना है एंड कोई भी केमिकल्स नहीं है, आपको बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं फेस पे। आप घर में हो तो यूज़ कीजिए, बाहर जाने से पहले यूज़ कीजिए, पर्स में आप ले जा सकते हैं एज अ रिफ्रेशर। आप उसको कहीं भी आप डल फील कर रहे हैं तो आप उसको जस्ट स्प्रे कर दीजिए 2-3 पम्प एंड अपने फेस पे अप्लाई कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फील होगा। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा टोनर रेडी हो गया है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा मेरा ये DIY स्किन टोनर, और प्लीज़ इसको डेली ट्राई कीजिएगा, डेली यूज़ कीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे अंत एंड फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।